असंग वेज आप देख रहे वेज स्पीक। स्टालियंस ने हासिल की बड़ी फिता, बाबर आजम ने किया शानदार शो। डॉल्फिन्स इस टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा मुश्किलात के शिकार है। डॉल्फिन्स तीनों के तीनों मैचेस हार चुका है। सरफराज अहमद ने एक बड़ा तड़कड़ा फड़कता बयान दिया ग्राउंड के अंदर से ही, और वो माइक में रिकॉर्ड हो गया, स्टंप माइक में। एंड देन डॉल्फिन्स की टीम देखे, हदफ के तवक्कों में बुरी तरह नाकाम हुई, अंडर 100 ही उनकी टीम आउट हो गई। आज करेंगे इस सब। यस वी स्टालियंस के लिए कल का दिन बड़ा सूटेबल रहा। उनकी बैटिंग चली, उनकी बॉलिंग चली, उनकी फील्डिंग चली, और इस तरह स्टालियंस इस टूर्नामेंट में अपनी दूसरी फतह हासिल करने में कामयाब हो गया। बाबर आजम मर्द मैदान रहे, तमाम अट्रैक्शन बाबर आजम पे थी। बाबर आजम 100 करने में कामयाब हुए, और जिस तरह फैसलाबाद का क्राउड उनको बैक कर रहा था, वाकई बाबर आजम ने क्राउड के लिए भी एक बड़ा फैसिनेटिंग व्यू क्रिएट किया, और क्राउड का भी पैसे पूरे करवाए अच्छी तरह। अगर हम स्टार्टिंग से इस मैच को देखें तो स्टैलियंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी की, और स्टैलियंस ने ओपनर्स ने अच्छा आगाज दिया। नो डाउट को दोनों बड़ी इनिंग्स खेलने में कामयाब नहीं हुए। लाइक शान मसूद, उन पर तो बहुत बर्डन भी नजर आ रहा है कि उन्हें एक बड़ी इनिंग्स ड्यू है उन पर। वो टेस्ट क्रिकेट में पहले फ्लॉप हुए, इस टूर्नामेंट में वो आगाज अच्छा परफॉर्म करते हैं। 30-40 रन के टेन्योर में दाखिल होते हैं। ऐसा नहीं है कि आते साथ अपनी विकेट लूज करें, बट अपनी इनिंग्स को बड़ा नहीं कर पाते। 50-70-80 इस तरह की इनिंग्स में कन्वर्ट करने में कामयाब नहीं हो रहे। और कल भी वो 13वें ओवर में वो आउट हुए, आई थिंक फहीम अशरफ ने उनकी विकेट ली। एंड देन उसके बाद सऊद शकील को ट्राई किया गया, और सऊद शकील ने वेरी फर्स्ट बॉल पे ही जो दूसरे ओपनर थे यासिर खान, जिन्होंने 40+ रन स्कोर किए। यासिर खान का इसलिए तस्करा जरूरी है कि यासिर खान हमारे केपीके के इलाके के, और वहाँ पे इनको कोहली के नाम से जाना जाता है। वह क्लब क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है, और ये बड़े पंचिंग हिटर हैं। तो PSL में पेशावर के लिए भी खेल चुके हैं, तो इनको काफ़ी मौके भी दिए जा रहे हैं यहाँ पे, और अच्छा बैट्समैन नज़र भी आता है कि स्ट्रोक मेकिंग कर सकता है। बट थोड़ा बहुत रेजिलियंस की ज़रूरत है, मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत विकेट पे स्टे करने का, टेम्परमेंट मजीद इंक्रीज करने की ज़रूरत ज़रूर है। लेकिन फिर तैयब ताहिर के साथ बाबर की पार्टनरशिप लगी, 50-60 रन की दोनों ने पार्टनरशिप लगाई। लेकिन जब तैयब ताहिर आउट हुए, लेकिन देखिए एक एंड से विकेट्स लूज हो रही थी, लेकिन बाबर आजम अपने एंड पे डटे हुए थे। वह सैफी भाई दौरान मैच विकेट कीपर थे, कल सरफराज अहमद खेल रहे थे, पहले दो मैचेस उन्होंने नहीं खेले, मोहम्मद एहलाक को मौका दिया। अब ऑब्वियसली कल का एक बड़ा टफ मैच था, डू एंड डाई मैच था डॉल्फिन्स के लिए। वहाँ पर उन्होंने खुद को ट्राई किया, और उन्होंने एक बात कह दी कि क्राउड को बोलते रहो बाबर आप बाबर करते रहे, लेकिन हमने इसको आउट नहीं करना, 40 ओवर तक जाने दो इसको, बाकी सारे आउट हो जाएंगे। सैफी भाई भी देखिए विकेट कीपर का तो यही काम है बोलना, तो ठीक है सैफी भाई ने कह दिया, और वो गलती से स्टंप माइक में भी आ गया। तो अब खैर है, जो हो गया सो हो गया, अब इस पर कोई बहुत ज़्यादा ले दे करने वाली जरूरत नहीं है। बट बाबर आजम ने देखे ना, वो बाबर आजम 40 ओवर तक आउट हुए, हालांकि 40 ओवर तक बाबर आजम ने 65 बॉल्स खेली और 50 रन बनाए, बट इन वेरी द लास्ट 10 ओवर्स बाबर आजम ने एक्सेलरेटर पे पांव रखा, और 34-35 बॉलों में उन्होंने 50+ रन स्कोर किए। अपनी दूसरी 50 34-35 बॉलों पे बनाई, और उन्होंने तीन चौके लगाए और 100 बनाने में कामयाब हुए, और अपनी टीम के टोटल को 271 तक लेके गए। बाबर आजम की इनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी थी कि बाबर आजम देखिए काफ़ी अंडर प्रेशर हैं पिछले कुछ अर्से से। नो डाउट इस टूर्नामेंट में कोई इनकी बैड फॉर्म नहीं चाह रही, बट स्टिल बाबर जिस तरह का उन्होंने अपना स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि हर दूसरे मैच में 100 ही लगेगा, तो वो एक चीज़ बड़ी मिसिंग नज़र आ रही थी। और अब बाबर आजम फाइनली काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद 50 ओवर की क्रिकेट या ओवरऑल क्रिकेट में आप देख लें 100 बनाने में कामयाब हुए हैं। तो बाबर आजम ने अच्छी इनिंग्स खेली। डॉल्फिन्स ने कल 6 बॉलर्स को ट्राई किया था, और 6 के 6 ही कल विकेट लेने में कामयाब हो गए। लेकिन जब डॉल्फिन्स की बैटिंग आई तो जहानदाद खान ने बिल्कुल न्यू बॉल से उनको हिलने का मौका नहीं दिया। मैं हुरैरा से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहा हूँ। आई एडमिट कि हुरैरा बड़ा अच्छा बैट्समैन है, डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करता भी रहा है, बट इस टूर्नामेंट में उनकी टोटली फॉर्म आउट ऑफ टच लगी है। कल भी वो दूसरी बॉल पर आउट हो गए, एंड देन विद इन 10th ओवर जहानदाद खान ने आपकी मेन 3 विकेट उड़ा के रख दी थी डॉल्फिन्स की। एंड देन उसके बाद तो उन बेचारों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। हारिस रोप ने सरफराज वगैरह को आउट कर दिया, एंड देन 97 रन पे उनकी ऑल टीम आउट होगी, और 174 रन से स्टालियंस मैच जीतने में कामयाब हो गए। लेकिन डॉल्फिन्स अब ये तीनों मैच हार चुका है। मैं ये नहीं कह सकता कि डॉल्फिन्स टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, बट अब डॉल्फिन्स और लायंस इन दोनों टीमों में से ही कोई एक टीम मुझे पता नहीं क्यों आखिरी नंबर पर नजर आ रही है, बिकॉज लायंस भी 2 मैचेस हार चुके हैं। लायंस का अगला मैच मार्कर्स के साथ है, जो कि बहुत ज़्यादा इनफॉर्म है, जो तीनों मैचेस जीत चुके हैं। तो अब यार ये जो आखिरी 1-2 दिन है ना लीग स्टेज के, अब 3 मैचेस रह गए हैं। एक आज फ्राइडे को खेला जाएगा, और एक सैटरडे संडे को खेला जाएगा। तो इन 3 मैचेस में ना हमें एक पिक्चर बड़ी हद तक क्लियर होती नजर आ जाएगी कि किस हवा का रुख किस तरफ है, कौन सी 4 टीमें हमें
फाइनल राउंड में नजर आएंगी। तो लेट्स सी क्या बनता है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद दुआ में याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।